चियांग माई में हादसा हुआ है। सेल्फी लेने के दौरान गिरी बालकनी। हादसे के वक्त 12 लोग इस रिजॉर्ट की बालकनी पर मौजूद थे। बालकनी गिरने से यह हादसा हो गया है। हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है, ये बड़ी जानकारी और राहत वाली खबर, लेकिन कई लोगों को गंभीर चोट आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बालकनी पर सेल्फी ले रहे हैं लोग और अचानक से वो बालकनी धस जाती है। ऐसा लगता है कि ये किसी कार्टून सीरियल का सीन हो, लेकिन ये असल जिंदगी में हुआ है। तस्वीरों में देखिए, अचानक से वहां कई लोग खड़े हुए हैं, एक साथ वो बालकनी नीचे की ओर धस जाती है। बड़ा हादसा है और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेल्फी लेने की जो शौक था वो कितना खतरनाक हुआ। बिल्कुल मुहाने पर जाकर के लोग खड़े थे और इतना बोझ वो इलाका, वो जो बालकनी थी वो सह नहीं पाई और टूट गई है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही फिलहाल किसी की मौत की जानकारी नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन एक साथ बड़ी संख्या में लोग बालकनी पर पहुंचे तो बालकनी उनका वजन नहीं सह पाई, भार नहीं सह पाई और नीचे गिर गई। यहां पर देखिए, कुछ ही सेकंड्स के अंदर तमाम जो लोग खड़े हुए थे बालकनी पर वो नीचे गिर गए और वहां पर दूसरे जो लोग खड़े हुए थे वो उन हालातों को समझ तक नहीं पाए, इतना जल्दी यह हादसा हुआ। हालांकि फिलहाल जानकारी है कि जिन लोगों को चोट आई है उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये सबक लेने वाली बात है, बड़ी संख्या में एक ही जगह पर खड़े होकर सेल्फी लेने के चक्कर में ये हादसा हो गया। कम से कम 8 से 9 लोग जी वहां पर मौजूद थे और एकदम बिल्कुल कोने पर 8 से 9 लोगों का, या शायद ज्यादा लोग हो सकते हैं। ये कितना खतरनाक था ये उन्हें थोड़ी देर बाद समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भारतीयों को सावधान रहने को कहा है। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने दावा किया है कि मुसलमान आज भी भारत को गजवाए हिंद बनाने में लगे हुए हैं। बीएचपी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश में घटना के 24 घंटे के अंदर ही सैकड़ों हिंदुओं के घर जला दिए गए। विभाजन के समय बांग्लादेश में 32% हिंदू थे, आज वहां पर 8% रह गए हैं, जबकि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15 अगस्त से ठीक पहले राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। गिरफ्तार आतंकी का नाम रिजवान अब्दुल हाजी अली है, जो NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। रिजवान अली ISIS के पुणे मॉड्यूल से जुड़ा है। स्पेशल सेल ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज से उसकी गिरफ्तारी की, उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर का खतरनाक वर्जन तैयार हो रहा है। ये भारत का स्वदेशी घातक एयर सिस्टम का तीसरा मॉडल है। इस रॉकेट लॉन्चर से इंडियन आर्मी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तो वहीं इसकी मदद से दूर के रेंज तक अटैक किया जा सकेगा। पिनाका MK3 के 2 वेरियंट बनाए जाएंगे, जिस पर DRDO काम कर रहा है। ये लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, जिसकी पहली रेंज 120 किलोमीटर या उससे और भी कई ज्यादा होने की संभावना है और दूसरे वेरियंट की रेंज 300 किलोमीटर होगी। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मनु भाकर और साथियों को लड्डू खिलाया और शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने मनु भाकर से पेरिस ओलंपिक को लेकर उनका अनुभव जाना। मनु भाकर के साथ उनका परिवार, कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। राहुल गांधी से पहले बुधवार को मनु भाकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल राज्य में भारी बारिश होने का अनुमान है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली में भी हल्की बारिश होगी। वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर बढ़ते जलस्तर के कारण छत पर आरती की गई।